ये भी जुड़ी आप अपील कमेटी में मजीदार फिजिकल एजुकेशन मास्टर, उसमें सरिया बख्शी फिजिकल एजुकेशन। खिलाड़ी की हौसला अफजाई के यहाँ पर तशरीफ लाए, उनके मुबारक हाथों से मेहनत कर रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पंच राहुल यादव साहब, स्पोर्ट्स ऑफिसर पंच मोहम्मद कासिम सर, डिसिप्लिन जो है कंडक्ट करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें कि वॉलीबॉल और टाइकांडो। स्पोर्ट्स पंच के जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर मास्टर वेल क्वालिफाइड है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस कार्रवाई को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जम्मू कश्मीर यूटी के बच्चों को जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं, उनके ऑफिशियल्स को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। असद राज से स्टेट चैंपियन जो होती थी पहले, अब यूटी चैंपियनशिप है, वो बहुत कम होती थी। डिविजन लेवल पे पहले टूर्नामेंट होते थे, फिर डिविजन टू डिविजन सिलेक्शन होती थी। डायरेक्टर जनरल यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब की क्यादत में ये पहली मरतबा हुआ है कि इस वक्त हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो यूटी लेवल के होते हैं। और मैं हमारा पुंछ का डिपार्टमेंट जो है वो अपने आपको इसलिए कुछ नहीं समझता है कि इस वक्त जितने भी यूटी में कंपटीशन हो रहे हैं, ये पहला इवेंट है कि जिसमें फुल पार्टिसिपेशन है। मैं इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा डिस्ट्रिक्ट यूटी लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट फॉर अंडर 17 इयर्स कश्मीर की वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज स्टार्ट होने जा रहा है, और आप सब लोग बहुत ही मुबारक के मुस्तहिक हैं कि यहाँ पर 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट मौजूद है, सभी डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेशन है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उस तरह से मौके बच्चों को फराम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दूर दराज का एरिया है, हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो कई बार बच्चों को उस तरह से मौके नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि जो दिल्ली है या फिर उसके नेबरिंग स्टेट है या फिर जो रिलेटिवली बेटर और कनेक्टेड प्लेसेस है वहाँ पर उनको मिल पाते हैं। लेकिन कहूँ कि आप में से जो बेस्ट ऑफ द टीम्स है वो निकल के आएंगे, और बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जहाँ से निकल के जाएंगे जो आगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान को भी तरीके का एक आपके सामने एक एग्जाम्पल भी है जो आज की डेट में। ये मैं बेस्ट ऑफ द विशेष देता हूँ अपनी तरफ से कि आपने अच्छा परफॉर्म करते हुए और इस टूर्नामेंट को हर एक ने पूरी स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आप लोगों ने खेलना है, और जो बेस्ट टीम है वो जीते। इसी के साथ आई डिक्लेयर यूटी लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन 2020-21 ओपन। बताते चले कि आज यहाँ पर वॉलीबॉल अंडर टीम बारामूला अपनी जमा कर रहे की तरफ से सर्विस की गई, बड़ी अच्छी सर्विस वहां पे अच्छे तरीके से पा लिया गया और अच्छी स्मैश। यहाँ पे जो है ये यूटी लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो हो रही है अंडर 17 बॉयज की, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मज़े की बात ये है कि इस काफ़ी अरसे के बाद जो है वो स्टेट्स जो यूटी है उसकी चैंपियनशिप होने जा रही है, पहले इससे पहले डिवीजन लेवल की होती थी। तो ये डायरेक्टर जनरल यूथ एसोसिएशन स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान साहब की, उनका मैं समझता हूँ कि पर्सनल एफर्ट्स थी और पर्सनल इंटरेस्ट था जिसकी वजह से ये यूटी लेवल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रही हैं। तो इसमें कुल मिला के हमारे जो पूरी यूपी जो है जम्मू कश्मीर उसके 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पार्टिसिपेट करें, ये बड़ी खुशहाल बात है कि पूरा यूपी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और बच्चों में एक अच्छा टैलेंट भी है। और हमने भी एक बच्चों को इतने क्योंकि इतने दूर से आए हैं, तो ये पहले नॉकआउट स्पेसिस होते थे, हमने इस बार सारा टूर्नामेंट जो है वो लीग पर रखा है ताकि हर टीम को जो है वो उसको खेलने का जो है पूरा पूरा मौका जो है मिले, ताकि कोई टीम ये ना कहे मैं दूर से आई थी
तो मैंने एक ही मैच खेला, हम लूज़ कर गए। हमने सब टीमों को जो है मौका दिया, वो पूरे चार मैच जो है एक टीम जो है वो खेलेगी। तो इस टूर्नामेंट में जो टीमें आई हैं उनकी, और पहली मरतबा ये हुआ कि इनकी अकोमोडेशन जो है होटल्स में और किसी अच्छी जगह पे यहाँ की हैं, और मैस भी इनकी यहाँ लगी हुई है, और रेट्स भी जो हैं, जो पहले हमारा डिपार्टमेंट जो है 50 रुपये पर डे देता था, लेकिन इस मरतबा जो है डायरेक्टर जनरल यूसुफ एंड स्पोर्ट्स की वजह से जो ऑफिसर हैं हमारे, उनकी जो पर्सनल एफर्ट्स हैं, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उनकी वजह से 125 रुपये के हिसाब से बच्चों को जो है।